अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो जी अभी सुबह का टाइम है और आज जो हूँ मैंने अपने हस्बैंड की छुट्टी कराई है। मैंने कहा आज आप ऑफ कर लें क्योंकि काफ़ी सारे जो काम थे वो पेंडिंग में पड़े हुए थे, तो कुछ बाहर के भी काम हैं कुछ घर के भी काम हैं, तो इसलिए आज मैंने उनसे बोला आज आप ऑफ कर लें। तो बस अभी सुबह उठी हूँ तो बच्चों को स्कूल भेज के मैं दोबारा खैर लेट गई थी थोड़ी देर के लिए। तो अभी 9:30 का टाइम हो रहा है तो अभी नाश्ता करते हैं और मेरे हस्बैंड का मूड हो रहा है कि आज बाहर चल के नाश्ता करते हैं, तो मैंने बोला कि चले आप चलते हैं लेकिन ये कि घर पे ले आएंगे नाश्ता, बाहर बैठ के तो मुझसे नहीं किया जाता। तो अभी हम जा रहे हैं बाहर और कुछ थोड़े बहुत मुझे बाहर के काम निपटाने हैं और उसके बाद जो हूँ मैं अभी घर पर आके नाश्ता करूँगी, फिर घर के सारे काम रूटीन आपको दिखाती हूँ कि आज क्या क्या हो रहा है घर में। बच्चे गए हुए स्कूल और जन्नत अजवा जो हैं वो घर पर ही हैं क्योंकि जन्नत के पेपर चल रहे हैं, उसका ऑफ है आज और अजवा भी आपको पता है वो तो घर पर ही होती है। तो बस इसलिए सारे काम जो है आज की रूटीन वो मैं आपको दिखाती हूँ आज क्या हो रहा है घर पे। अच्छा आज आप लोगों को मैं कॉकरोच की जो दवा के बारे में पूरी डिटेल बताऊँगी और उसकी बॉटल इसी तरह दिखाऊँगी और आप लोग जो बोलेंगे कि उनका नंबर वगैरह वो दे दें, तो उनका जो नंबर है आंटी का वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डाल दूँगी और उसकी बॉटल में अच्छी तरह आपको दिखाऊंगी, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और वैसे तो ये मेडिकल से आसानी से इजीली मिल जाएगी आपको, लेकिन अगर आप लोग फिर भी चाहें तो उनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को दे दूंगी। तो जी यहाँ पर हम आ गए थे हलवा पूरी खाने के लिए क्योंकि हलवा पूरी का मूड हो रहा था तो इसलिए हम बाहर निकले थे। तो जन्नत की और अजवा की भी छुट्टी थी, अजवा की जो खैर होती है ऑफ आपको पता है, तो जन्नत की भी आज ना ऑफ था जन्नत का, तो इसलिए हम लोग बाहर निकले थे। कुछ सामान भी मुझे चीज़ें भी चाहिए थी और मैंने आपको बताया था शुरू वीडियो में, तो बस वो चीज़ें लेनी थी। और यहाँ से हम लोगों ने नाश्ता किया हलवा पूरी का, मेरे हस्बैंड का मूड हो रहा था कि चलो आज हलवा पूरी खा लेते हैं, तो बस हम लोगों ने यहाँ से नाश्ता किया है। और उसके बाद मुझे आपको दिखाती हूँ मैं एक शॉप पर गई थी, मुझे गीज़र चाहिए था तो बहुत परेशानी हो रही थी गीज़र के लिए और छोटे बच्चों के साथ आपको पता है आगे ठंड थी, इसलिए मैंने फिर गीज़र ले लिया था यहाँ से। तो बस यहाँ से हम इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पर आए थे, यहाँ पर बहुत अच्छी इनके पास चीज़ें होती हैं और मेरे फ्रिज वगैरह टीवी वॉशिंग मशीन सब मेरी यहीं की हैं, इन्हीं की शॉप की हैं, तो इनकी काफ़ी अच्छी चीज़ें होती हैं। तो मैं यहाँ से बिल्कुल आंख बंद करके इनसे चीज़ें लेती हूँ क्योंकि इनकी अगर कोई मसला भी हो जाए कुछ भी हो जाए तो या तो वो एक्सचेंज कर लेते हैं या फिर वो रिटर्न कर लेते हैं। तो इनकी शॉप बहुत अच्छी है यहाँ पर और चीज़ें भी बहुत ज़बरदस्त होती हैं इनकी। ये देखेंगे हमने यहाँ पे ये गीज़र लिया है तो बस अब ये लेके जाएंगे, ये फिर देखो अब कब लगवाते हैं हस्बैंड, हो सकता है कि आज ही लगवा लें या फिर एक दो दिन में जब इनको टाइम मिलेगा तो फिर तब लगवाएंगे। लेकिन ये कि चलो ख़रीद लिया ले लिया क्योंकि ज़रूरत पड़ती है, ज़रूरत की चीज़ें और छोटे बच्चों के साथ आपको पता है कि बहुत ही ज़रूरत पड़ जाती है, बार बार पानी गर्म करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बस यहाँ से हमने गीज़र बाय किया अभी, तो ये लेके अब हम घर पर जाएँगे और घर जाके जो मैंने अपने सारे काम ख़त्म करे हैं, सफाई करी है सब और समेटा समाटी सब सब करके ना, क्योंकि आपको पता है सुबह के टाइम जो होता है बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं तो उस टाइम तो घर वो पूरा का पूरा ऐसा फैला हुआ होता है जैसे पत्नी कोई जंग छिड़ी घर पे। तो हालांकि मैं हाथ के हाथ समेटती रहती हूँ लेकिन उसके बावजूद जो घर है ना आप लोग समझ सकते हैं और जो जिनके स्कूल जाने वाले बच्चे हैं वो माएँ बिल्कुल मुझसे ज़्यादा बेहतर वो समझ सकती हैं, क्योंकि घर जो है वो एक चीज़ अगर बच्चे कोई चीज़ निकालते हैं तो वो 10 चीज़ें पहले फैलाते हैं गिराते हैं तो फिर उसके बाद एक चीज़ निकलती है। तो यही हिसाब हमारे घर का, तो बच्चों ने जो है वो फैलाया हुआ था। खैर मैं समेटती रहती हूँ सुबह के टाइम पे भी, लेकिन ये कि अभी मैं प्रॉपर तरीके से पूरी सफाई कर रही हूँ। तो अभी सब बेड वेड की चादर सही करी है, चादर भी छा रही हूँ मैं, उसके बाद जो है मैंने सफाई ख़त्म करके अपने और बर्तन वगैरह सब धोऊँगी वॉश करूँगी। और अब यहाँ किचन में आ गई थी और किचन में आके मैंने अपने सारे बर्तन वगैरह सब धोए, लेकिन साथ साथ मेरे दिमाग में जो चल रहा था वो यही था कि आज मैं क्या पकाऊँ समझ नहीं आ रहा था। तो बच्चे कुछ फरमाइश कर रहे थे और मियाँ जी जो हैं वो कुछ फरमाइश कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि चलो आज दोनों की पसंद की चीज़ें बना लेती हूँ। मेरा कब से दिल कर रहा था कि भरे बैंगन खाने को, जैसे हैदराबादी बैंगन होते हैं पूरे साबुत जो बनते हैं वो, तो मैंने सोचा चलो आज वो बना लेती हूँ, लेकिन बच्चों के मुँह नाक बन गए और मियाँ के भी हमारे कि नहीं भाई वो नहीं बनाना और बनाना है तो सिर्फ अपने लिए बनाना। फिर मैंने सोचा चलो सही है बच्चों के लिए और इनके लिए, फिर मैंने कढ़ाई बना ली थी और अपने लिए जो है मैं स्पेशल अपने लिए आज मेहनत करके वो बैंगन बनाए। मेरा काफ़ी दिनों से दिल कर रहा था, हमारी अम्मी बनाती थी और अम्मी के हाथ का जो टेस्ट है वो तो आपको पता है वो तो कहीं से भी नहीं मिल सकता जो माओ के हाथ में टेस्ट होता है। तो बस लेकिन खैर मैंने कोशिश करी थी और मैं बनाती रहती हूँ लेकिन काफ़ी बहुत कम कम दिनों में बनाती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि वो किसी ने खाने तो है नहीं,
सिर्फ मैंने ही खाने हैं, तो इसलिए फिर मैं अपने लिए बना लेती हूँ। तो वो 2-3 दिन में रख के आराम से खाती हूँ कि मैं, मेरा दिल भर जाता है तो फिर मुझे मज़ा आता है फिर के शुक्र है कि, वरना तो आपको पता है कि बच्चे जो हैं वो इन चीज़ों को अवॉइड करते हैं, ख़ासकर सब्ज़ी वगैरह को, तो इसलिए फिर मैंने अपने लिए वो चीज़ें बना लेती हूँ। बस यहाँ पर मेरा पूरा किचन साफ़ हो गया था और मैंने फिर सोच लिया था पकाने के लिए, क्योंकि आपको पता है साथ साथ अगर मैं सोचने के लिए बैठ जाऊँ तो बहुत टाइम लग जाता है, तो इसलिए फिर बस मैंने फटाफट सफाई करी अपनी और किचन साफ़ किया है। इतने में बच्चों को भी आने का टाइम हो गया था और यहाँ पर मेरे अपने जो है वो सारे काम निमट गए थे। बस मैं पकाऊँगी और हस्बैंड को देखूँगी, जो कुछ खटपट की आवाज़ें आ रही है वो रूम में हैं दूसरे वाले की, क्या कर रहे हैं वो। बस किचन साफ़ करके अभी मैं वहीं जाती हूँ उनके पास। क्या हो रहा है, आप क्या कर रही हैं? स्पीकर, हाँ ये चल नहीं रहा था, चलते चलते रुक रहा था। कौन सी बैटरी? मोबाइल की। तुम नया मोबाइल ख़राब करेंगे क्या? अच्छा ये लाइट भी बना ली, कैसे बनाई? ये तो जल नहीं रही थी, पुरानी बैटरी खराब हो गई थी ना। हाँ बिल्कुल स्लो जल रही थी, उसके मैंने चार्ज भी किया था लेकिन उसके बावजूद। दिखाएं जरा, एक मिनट बैटरी डाली अभी 4 घंटे टाइम। हाँ सीधे क्या हुआ है, कैसे लगी है मुझे बताओ। चल रही थी एकदम दीवार आगे आ गई। मेरा बच्चा दिखाओ कहाँ पे लगी है, हाथ दिखाओ दिखाओ, हाथ तो हटाओ मैं देखूं। चलो सही कर जाएगा, मेरी बच्ची के लग गई। तो आपने ये फैलाया हुआ कितना है, ये देखें जरा, ये देखें ये स्त्री स्टैंड का क्या हाल किया हुआ, सारी चीज़ें आपने निकाली हुई, ये सारा काट कबाड़ जो है वो इनका है, वो सब मेरे हस्बैंड का रखा हुआ है, देख रहे हैं लोग काम की चीज़ें। अच्छा हाँ खैर, मेरे बुरे वक्त में काम आ जाती तो फिर काम की चीज़ है ना। बस चुप सही हो जाएगा इतना। ये आपने इसकी अपनी बैटरी निकाल दी है, इसको चार्ज करूँगा फिर इसको चलूँगा। कारीगर बंदा है वैसे, है ना, ये अलग बात है, कदर नहीं है कारीगर की। नहीं नहीं कदर तो बहुत है, मैं तो आपको बहुत कदर करती हूँ। ये सब इनकी काम की चीज़ें रखी हुई है, देखें आपने सब इसका अंजर पंजर निकाल दिया अंदर से सारा। क्या चाहिए? अच्छा मैं देती हूँ अभी। तो जी यहाँ पर मैं किचन में आ गई थी क्योंकि मैंने सोच तो लिया था पहले ही कि मुझे आज क्या पकाना है, तो बस मैंने फटाफट बैंगन बनाए और इसकी रेसिपी मैं आपको देती हूँ। इसकी मैंने 2 बड़ी मीडियम साइज़ की मैंने प्याज ले ली थी, मीडियम से थोड़ी सी बड़ी आप प्याज ले लें इसमें, और ये अच्छी तरह मैं इसको फ्राई कर रही हूँ और लाइट बिल्कुल ब्राउन इसको फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, बिल्कुल पिंक पिंक सी रहे या हल्की लाइट गोल्डन इसको होने दें, उसके बाद मैं आपको सारे मसाले बताती हूँ इसके। और ये देखें ये 1/2 किलो मैंने बैंगन लिए थे और इसको इस तरह अच्छी तरह वॉश करके बीच में से मैंने कट लगा लिया था, ये 4 पीस की तरह हो जाते हैं, बिल्कुल हमें 4 पीस नहीं करने, लेकिन जो माइनस का निशान होता है उस तरह आपने माइनस का निशान लगाना है और सारे बैंगनों को और कट लगा लेना है और अच्छी तरह देख लेना है कि इसके अंदर कोई कीड़ा वगैरह ना हो, ताकि आप मुतमईन हो जाएंगे पकाने से, आप बेफिक्र होकर आप पका सकें। और दूसरी तरफ देखिए मैं कढ़ाई ये इसको बना रही हूँ, चढ़ा रही हूँ, ये मैंने मटन का गोश्त लिया था और ये 1/2 kg करीब है ये, और मैंने इसमें लहसुन अदरक डाल के और नमक डाल के बिल्कुल सिंपल और इसको पकने के लिए रख दिया है। और अब हम आ जाते हैं अपने बैंगन की तरफ। यहाँ पर प्याज हमारी जो है वो लाइट ब्राउन हो रही है, बिल्कुल गोल्डन, तो बस इसको हम फ्राई करेंगे, उसके बाद मैं आपको इसमें मसाले दिखाती हूँ सारे। और इसमें जो है वही सिंपल नमक, मिर्चें, हल्दी, धनिया पिसा हुआ, धनिया इसमें, कलौंजी,
इमली, ज़ीरा और साबुत धनिया और राई दाना, ये सारी चीज़ें इसमें जाएंगी। और ये बस अपने अपने हिसाब से, आपने नमक मिर्च देखें अपने हिसाब से, हर किसी की होती हैं, किसी ने कम खानी है, किसी ने ज़्यादा खानी है। तो बस ये बाकी जो चीज़ें हैं, वो अचार का मसाला जो है वो कलौंजी है, वो 1 टेबलस्पून ले लें आप, और साबुत धनिया है, और साबुत धनिया के बाद जो है वो साबुत धनिया के बाद जो है वो उसमें सौंफ जाएगी, ये सारी चीज़ें जो हैं आप इसमें ऐड कर लें, और अच्छी तरह इसको भून के मसाला पूरा पेस्ट सा बन जाएगा। और ये मैं लहसुन अदरक डाली हूँ इसमें, तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब होगा वो लहसुन अदरक मैंने शामिल कर दिया था, और हल्का सा मैं पानी इसमें शामिल करूँगी ताकि मसाला जो है हमारा जले नहीं, तो वरना जल जाता तो ब्लैक ब्लैक सा हो जाता मसाला, वो मसाला हमारा जले नहीं। इसमें पानी डाल के मैं अच्छी तरह मसाले को भून लूँगी, और आखिर में जो इसमें मैं 2 टेबलस्पून के करीब पिसा हुआ खोपरा जो होता है वो शामिल कर दूँगी। अच्छा, पिसा हुआ खोपरे के साथ मैंने इसमें तिल शामिल करे थे, वाइट तिल जो होते हैं वो, उसके क्लिप बनाना मैं बिल्कुल भूल गई थी, तो आपने उसके अंदर वाइट तिल भी शामिल करना है। ये देखिए पिसा हुआ खोपरा डाल ली मैं, और वाइट तिल भी मैंने इसमें शामिल करे थे। अच्छी तरह इसको भून के मसाले का पूरा कच्चापन निकल जाएगा, तो उसके बाद जो हूँ मैं इसके अंदर बैंगन के अंदर इसको फिल करूँगी, एक कोई चम्मच की मदद से आप ले लें, वो अच्छी तरह बैंगनों के बीच में रख के, ये देखें इस तरह ये बैंगन के बीच में रख के इसको, और बैंगन इसी के अंदर आप रखते रहे साइड में, और सारे बैंगन इसी तरह मैं फिल कर लूँगी। एक एक बैंगन लेके मैं इसमें डालती रहूँगी, मसाला इसमें भरती रहूँगी, और एक साइड में मैं रखती जाऊँगी इस तरह। देखें जो मसाला हमारा पूरा भुन चुका है, और थोड़ी देर आप चूल्हा बिल्कुल स्लो कर दें ताकि थोड़ा सा मसाला ये कि आपका ठंडा हो जाए, और अगर आपके हाथ पे भी लगता है तो वो जले नहीं आपका हाथ। तो बस ये इस तरह इसको पूरा फिल करके, अच्छा मसाला अंदर भरने का मकसद जो है वो ये है कि आपके जो बैंगन है वो अंदर से फीके होते हैं, बैंगन का जो है कोई ज़्यादा टेस्ट नहीं होता, तो मसाला जो भर जाएगा तो अंदर तक, और जब बैंगन पकेंगे वो जब गलेंगे तो अंदर तक मसाला गायब होगा, तो बहुत टेस्टी हो जाते हैं बैंगन। अच्छा, ये टूटते भी नहीं है, ना ही कोई इसको मसला होता है, क्योंकि ज़्यादा आपने इसमें चमचा नहीं चलाना होता, तो ये जब पक के आपका बैंगन, जब आपकी शक्ल देखेंगे ना आप इनकी, तो ये इतना खूबसूरत लगते हैं ये बिल्कुल खाने में भी, और प्लेट में आप निकालें इसको, और आप ऐसे ही साबुत जो प्लेट में आपके निकलेंगे और आप तोड़ तोड़ के इसको खाएं, तो बहुत मज़ेदार और ज़बरदस्त बनते हैं ये बैंगन। ये देखें अब इसमें मैंने आधा गिलास पानी शामिल कर दिया, और पानी डालने के बाद मैं इसको ढाँक के रख दूँगी तकरीबन से मीडियम आँच में, थोड़े से रखेंगे मीडियम से थोड़ी सी कम, और थोड़ी थोड़ी देर के बाद मैं बस इसको चला के देखूँगी, और बैंगन को जो है मैं अलट पलट कर दूँगी, क्योंकि दोनों तरफ से जो हैं वो बैंगन हमारे सिक जाएं पक जाएं। तो बस ये देखें ये मैं अलट पलट कर रही हूँ बैंगन को, और तकरीबन 15 मिनट में, 10 से 15 मिनट में ये जो है हमारे बैंगन तैयार हो जाएंगे, क्योंकि ये भाप में ही आपको पता है गल जाते हैं। तो बस इसको मैंने अलट पलट किया है, और जो पानी थोड़ा सा खुश्क होगा, जो आधा गिलास मैंने पानी डाला है, और बाकी आपको जितनी भी ग्रेवी रखनी है इसकी, थोड़ा सा आपने ग्रेवी वाला रखना है या बिल्कुल भुना हुआ रखना है, ये आपके ऊपर है, वो आप उस तरह रख सकते हैं। और दूसरी तरफ मैं यहाँ कढ़ाई देख रही थी अपनी, तो गोश्त जो है हमारा गले पर आ गया था, साथ साथ मैं कढ़ाई भी देख रही थी और साथ साथ बैंगन भी अपने तैयार कर रही थी। तब कढ़ाई के जो है वो गोश्त गलने पर आ गया था, तो इसमें मैंने 3 अदद बड़े साइज़ के इसमें टमाटर शामिल कर दिए थे, और टमाटर डालने के बाद मैंने दोबारा इसको ढाँक के रख दिया था, क्योंकि जो थोड़ा बहुत पानी बचा हुआ था उसमें ये कि टमाटर भी गल जाएंगे, और गोश्त जो जितनी भी कसर थी वो भी कम्प्लीट हो जाएगी, गल जाएगा। और ये देख लें यहाँ पर हमारे बैंगन रेडी हो चुके थे, ये देखिए मैं हल्का सा इसको प्रेस करके देख रही हूँ, तो ये नरम और सॉफ्ट हो चुके थे बैंगन, तो इसका मतलब है ये हमारे बैंगन तैयार हैं। बस इसको मैंने इसका चूल्हा जो है वो बंद कर दिया था, और इसमें बस हरा धनिया डालूँगी ऊपर से, और बैंगन हमारे रेडी हो चुके थे। ये देखिए इतने मज़े के, इतने ज़बरदस्त बने हैं बैंगन के, देख के ही इतने के लग रहा है कि वाकई में कि बहुत ज़बरदस्त बने। और यहाँ दूसरी तरफ कढ़ाई मैंने देखी, तो यहाँ पे टमाटर गल चुके थे, अब मैं अच्छी तरह इसकी भुनाई करूँगी, और इसमें मैंने ऑयल भी शामिल कर दिया था, और अच्छी तरह ये देखें ऑयल डाल रही हूँ मैं, अपने हिसाब से आप डालना जितना भी आपको डालना है कम ज़्यादा, तो बस ऑयल डालूँगी, और उसके बाद जो है इसकी अच्छी तरह मैं भुनाई करूँगी ताकि इसका पानी जो है वो खुश्क हो जाए, और उसके बाद मैं आपको मसाले बताती हूँ इसमें कढ़ाई के। अच्छा, ये शनवारी स्टाइल की कढ़ाई बना रही हूँ मैं, जिस तरह रेस्टोरेंट वगैरह में होती है, तो उस टाइप की मैं कढ़ाई बना रही थी। यहाँ फ्रिज से मैंने हरा धनिया निकाला है, दही निकाली है, और हरी मिर्ची निकाली है कढ़ाई में डालने के लिए,
तो बस इसमें मैं 4-5 हरी मिर्चें काट के डालूंगी। और उसके बाद जो मैंने मसाला आपको पहले भी वीडियो में आपको बता चुकी हूँ, वो कढ़ाई का मसाला, वो आपकी मर्ज़ी, आप चिकन की कढ़ाई बनाए उसमें भी डाल सकते हैं, बीफ बनाए या मटन बनाए उसमें भी डाल सकते हैं। तो ये देखेंगे वही मसाला है, प्लेट में मैंने पीस के इसको रख लिया था। साबुत धनिया है इसमें, ज़ीरा है और काली मिर्चें हैं और गोल वाली लाल मिर्चें हैं। वो अच्छी तरह ड्राई रोस्ट कर लें आप तवे पे उसको, उसके बाद आप इसमें चॉपर में पीस लें। वो मैंने इसमें सारी कढ़ाई में शामिल कर दी हैं। और यहाँ 3-4 मैं हरी मिर्चें काट के इसमें वो शामिल कर दूँगी और 2 टेबल स्पून मैं इसमें दही ऐड कर दूँगी। बस अब इसको अच्छी तरह भूनना है क्योंकि अभी मेरे सारे मसाले इसमें डल चुके हैं और गोश्त भी मेरा बिल्कुल डन हो चुका है और उस तेल भी देखें ऊपर आ गया है कढ़ाई का। तो अच्छी तरह इसको बस इसकी भुनाई करेंगे और उसके बाद इसमें हरी मिर्चें, हरा धनिया और अदरक वगैरह शामिल करके और कढ़ाई भी हमारी रेडी हो जाएगी। सालन पक गया था मेरा, मेरी बेफिक्री हो गई थी, टेंशन ख़त्म हो गई थी कि चलो के बच्चे भी खुश हो जाएंगे, मियाँ भी खुश हो जाएंगे और आज मेरी भी मनपसंद की जो है वो डिश बन गई है। तो बस यही होता है, आपको पता है कि खाना जो है वो बच्चों को पेट भर के खा लें और हस्बैंड खा लें तो बेफिक्री हो जाती है और ये कि फिर ये टेंशन फ्री हो जाते हैं कि हाँ भाई हमारा खाना पक चुका है, किचन की तरफ से हम बेफिक्र हैं और बाकी काम तो ये कि चलते रहते हैं घर के। तो बस यही मैं बेफिक्र हो गई थी कि चलो दोनों मेरे सालन पक चुके हैं, अब बच्चों को भूख लगेगी तो मैं साथ साथ रोटी भी बना के दे दूँगी। तो बस ये कि खाना बन चुका था मेरा, ये देखिए 2 टेबल स्पून मैंने इसमें दही ऐड कर दी थी और इसको दही को भी डाल के मैं अच्छी तरह तेज़ आँच में मैं इसको भून लूँगी, स्लो नहीं रखूँगी, स्लो रखूँगी तो दही जो है वो अपना पानी छोड़ेगी, इसलिए मैंने स्लो आँच नहीं की थी, मैंने तेज़ आँच पर इसको अच्छी तरह भुनाई की थी कढ़ाई की। अब बहुत यमी और ज़बरदस्त बनी थी, मेरे हस्बैंड भी बहुत तारीफ़ कर रहे थे कि कढ़ाई ने तो बस महफिल लूट लिए, उनको बहुत पसंद आई थी कढ़ाई। इसमें मैं बारीक बारीक जो है अदरक काट के डालूंगी और हरा धनिया डालूंगी। अच्छा मेरे हस्बैंड जो हैं छुट्टी होती है उनकी, तो वो ये कि काफ़ी वो होता है कि वो सो जाएं या आराम करें, लेकिन ज़्यादातर जो है वो घर के काम निकल के बैठ जाते हैं और मुझे तंग नहीं होने देते। अगर कोई भी घर की कोई चीज़ ख़राब है, कोई मसला है, तो वो हाथ के हाथ सही कर देते हैं या कुछ ना कुछ वो ऐसी जुगाड़ बोलूँ मैं कि वो कर देते हैं कि जिससे मैं तंग ना, मैं परेशान नहीं होती कि भाई मैं बैठी नहीं रहती कि ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ ख़राब हो गई तो अब मैं क्या करूँगी। कुछ ना कुछ वो उसका हल जो है सोल्यूशन ढूंढ के वो निकाल लेते हैं और उसको सही कर देते हैं, वो काम करने लग जाती है चीज़। अब स्पीकर ख़राब था, उन्होंने जो मोबाइल की बैटरी निकाल के वो स्पीकर में लगा ली तो ये कि स्पीकर हमारा चलने लगा था। इस तरह इमरजेंसी लाइट वगैरह वो सही करते रहते हैं कि कुछ ना कुछ मसला हो तो, माशाल्लाह से हर काम कर लेते हैं। कोई भी ये काम नहीं है कि बैठे रहें कि कोई आएगा या किसी को हम बुला के लाएँ तो वो ये काम करेगा, लेकिन नहीं, ये अल्लाह का शुक्र है कि प्लम्बर का काम हो या इलेक्ट्रिक का काम हो, कुछ भी हो, वो अल्लाह का शुक्र है वो सारे काम कर लेते हैं घर के। और ये देखें ये कॉकरोच की दवाई है, जो सारे जो मुझे लेडीज़ जो हैं वो कमेंट्स कर रही थी कि हमें दिखाएं, तो ये बहुत अच्छी बहुत ज़बरदस्त है। इनका नंबर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और आप यूज़ करके देखिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी बताइएगा। तो जी मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ, मुझे दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।